नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को आर्थिक नुकसान होता रहता है जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं या फिर इंजॉयफुल नहीं जी पाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जो भी आर्थिक स्थिति है उन चीजों को वह जल्द ही समेट देता है और आपकी आर्थिक स्थिति को बना देता है अच्छा, जिससे कि आप अपने जीवन को और भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। उपाय नंबर है एक, यदि आप अशोक पेड़ की जड़ को लेकर आते हैं और अपने जहां पर भी पूजा करते हैं उसी स्थान पर रखते हैं तो वह आपके घर में फलदायक देगी और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है या फिर दरिद्रता आ रही है उन चीजों को दूर करती है। नंबर दो, वैसे तो कुबेर भगवान को हम सभी जानते हैं धन का गुरु माना जाता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, दुर्लभता आ रही है तो उसके लिए आप कुबेर भगवान को तिजोरी में रख सकते हैं या फिर कुबेर भगवान का यंत्र भी आता है या फिर जहाँ आप अपने धन को रखते हैं वहां रखें तो धन में वृद्धि होती है। नंबर तीन, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं होती जा रही है और आपके काम तो होता है लेकिन उसके लाभ आपको नजर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी की बुरी नजर लग गई है तो उसके लिए आप अपने घर पे गूगल और कप और इन दोनों को जलाने के बाद अपने ही घर में इसका धुआं करिए। ऐसे करने से आपकी जो बुरी नजर लगी हुई है वह दूर हो जाएगी। नंबर चार, यदि आपके पास भूखंड है यानी कि आपके पास जमीन है, जमीन होने के बावजूद आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप किराए पर रह रहे हैं और आपका जीवन सही से नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए आसान सा तरीका है, आप हस्त नक्षत्र के दिनों में ईशान कोण पर अनार का पौधा लगाइए। ऐसा करने से आपके जो भी कार्य हैं वह सफल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी ये कार्य कर रहे होते हैं तब वह समय और तिथि ध्यान से रखें ताकि आपके जीवन में जो भी काम शुभता के साथ हो रहे हैं वह डेट आपको याद रहे कि आपके जीवन में कब आपके सुख आए थे। तो ये है वह आसान से उपाय जिन्हें आप करने से अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।